उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने जो घटियापूर्ण बयान दिया है उत्तर प्रदेश के तीन तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के बारे में, नेता प्रतिपक्ष के बारे में जो उन्होंने घटिया बयान दिया है, कड़ी शब्दों में हम सब सभी छात्र नौजवान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री का ये बयान और उस मंच पर जहाँ प्रदेश का सूबे का मुखिया बैठा हो और उस मंच पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का इतना घटियापूर्ण बयान, इतना अमर्यादित बयान सूबे के तीन तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, मुख्यमंत्री उस मंच पर बैठे हों, बहुत ही आज लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन है कि उस मंच पर मुख्यमंत्री बैठे हैं और तीन तीन उप मुख्यमंत्रियों के बारे में, पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में ऐसा घटियापूर्ण बयान दिया जा रहा है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ पर सभी छात्र प्रदेश सरकार केंद्र सरकार का पुतला फूके और बताया कि आप जो आपके बेलगाम मंत्री हैं जिन्होंने इतना घटियापूर्ण बयान दिया है जिससे कहीं ना कहीं सभी नौजवानों और सभी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो आप उनसे हम लोग मांग करते हैं कि आप उनको अपने कैबिनेट से बर्खास्त करिए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करिए और अमर्यादित बोल के लिए समाज में जो हिंसा फैलाने का काम अमर्यादित बोल कर और समाज को जो बांटने काम कर रहे हैं उसको रोकिए और उनको अपने कैबिनेट से बर्खास्त करिए, अन्यथा हम सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी नौजवान चुप बैठने वाले नहीं हैं, लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कराने काम करेंगे और जब तक ये बेलगाम मंत्री और उस सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांग लेते हैं तब तक हम सब लगातार आंदोलन करते रहेंगे, तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। अवनीश यादव, अध्यक्ष छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, समाजवादी पार्टी से, समाजवादी छात्र सभा।